मेरा पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट क्यों बनाना है? कहाँ लेके जा रही है? आई एम थिंकिंग कि वी विल गो टू पाकिस्तान। हाय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं काफ़ी फिट फील कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई एम होपिंग दैट आज से जो मैंने व्लॉग देना स्टार्ट की, अब रेगुलरली मैं व्लॉग दूंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ अभी फ़िलहाल ठीक है और पहले से अभी मैं फिट फील कर रही हूँ। कल तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंटीबायोटिक लेने के कारण और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट अभी मैं ठीक हूँ। इसके कारण मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ, तो मेरा मन किया कि मैं फटाफट से आके एक वीडियो बना लूँ। ये जो वीडियो होने वाला है, तो ये इंदर को भी नहीं पता है कि मैं किस लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? तो अगर सब कुछ सही है एंड सही रहता है, तो मैं सोच रही हूँ टू मेक अ पासपोर्ट। तो इंदर का पासपोर्ट तो है, पर मेरा पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट क्यों बनाना है? कहाँ लेके जा रही है? आई एम थिंकिंग कि वी विल गो टू पाकिस्तान। अफगानिस्तान अगले लोग तो अफगानिस्तान वाले भागे आ रहे हैं, तालिबान आ गए, तुम पाकिस्तान जाने को कह रही हो? मैं सोच रही थी कि हम पाकिस्तान में जाके आते हैं एक बार। पंजाब से पाकिस्तान बहुत ही पास में है एंड काफ़ी सारे कॉरिडोर्स हैं, बट हर एक कॉरिडोर से हम अपने कंट्री को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बट एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया हुआ है जहाँ से लोग पाकिस्तान जाते हैं एंड दरबार साहिब विजिट करते हैं। उधर के करतारपुर, गुरु नानक देव जी का जगह है, उधर विजिट करते हैं, जहाँ पे उनका एक मेन लाइक पिलग्रिमेज बनाया हुआ है, मेन गुरुद्वारा बनाया हुआ है। और काफ़ी लोग इंडिया से, हमारे हिंदुस्तान से जाते हैं। तो कुछ दिन पहले भी जब मैं उधर पंजाब में थी, तो मैं एक लड़की की वीडियो देखी थी एंड वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहते हो बाय द वे। तो वो देखने के बाद मेरे मन में ना काफ़ी सारी अच्छी फीलिंग्स आने लगी थी, तो मैं इंस्पायर होके इंदर को बोली थी कि हम चलते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इंदर के पास पासपोर्ट है। तो उसके बाद मेरे घर पे सारे बीमार हो गए, हम आ गए इधर। एनीवे हमको भी कोविड हो गया था। तो नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग कि मैं एक पासपोर्ट बनाऊंगी एंड देन वी विल गो। बट इंदर का ये कहना है कि उधर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं यूजुअली वही जाते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर हम पाकिस्तान चले गए तो हमारे जो पासपोर्ट है उसमें दूसरे कंट्री के लिए वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो चीज़ इसके दिमाग और दिल में है एंड बिकॉज ऑफ दैट इंदर इज कंटिन्यूसली टेलिंग मी कि नहीं भाई अभी नहीं, एकदम लास्ट उम्र में जब हम 50-60 साल के हो जाएंगे, कहीं और जाने का रहेगा नहीं, हमको पासपोर्ट की इतनी ज़रूरत होगी नहीं, तब हम विजिट करेंगे करतारपुर। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर विजिटिंग करतारपुर, बहुत लोग जाते हैं, तो वाई नॉट? एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपके पास एक पासपोर्ट है तो इट्स क्वाइट ईजी टू गो टू पाकिस्तान, स्पेशली उतनी से एरिया में। एंड ये एक दिन का ट्रिप है पूरे, तो अगर आप सुबह जा रहे हो तो शाम तक आपको वापस करना है, आप रह नहीं सकते हो। एंड पाकिस्तान में एक और जगह है, आई थिंक शेखपुर या ऐसा कुछ जगह है, तो उधर नानकाना साहिब है। कहाँ हाँ, तो उधर जाना मुश्किल है क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर है। वैसे जो
करतारपुर है, करतारपुर भी 5 किलोमीटर अंदर है जीरो लाइन से, बट उधर फिर भी सारे फॉर्मेलिटीज़ के साथ हिंदुस्तानियों का अलाउड है। बट उधर नानकाना साहिब में, जो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ही अंदर है, कंट्री के अंदर जाना मुश्किल है, उधर बहुत ही कम लोग हैं जो जाते हैं, तो शायद ही उधर जाना पॉसिबल होगी। बट आई थिंक दैट करतारपुर हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू गाइस कि करतारपुर जो है पाकिस्तान में जाएंगे तो कुछ दिन रह के आएंगे ना, एक वो हफ्ता उधर दो रहना हफ्ता। अलाउड नहीं है, इट्स ओके। तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस, और इंडिया के कारण से तो चलता नहीं है, पाकिस्तानी कारण से चलता है। तो उधर फॉरेन एक्सचेंज है, उधर से आप एक्सचेंज भी कर सकते हो अपने पैसे को, एंड आई थिंक $20 काफ़ी है। आप मतलब 1,000 रुपये एक्सचेंज करके थोड़ा बहुत डॉलर और ले लो, तो बाहर शॉपिंग करने का जगह है, आप कुछ ले आ सकते हो एंड बोल सकते हो कि मैं पाकिस्तान से ले आया हूँ, गिफ्ट कर सकते हो, दैट्स इट। बट इट्स ऑल टुगेदर अ गुड फीलिंग, अ नाइस फीलिंग। तो ठीक है, ऐसे कॉरिडोर्स और बननी चाहिए, तो आना जाना चाहिए, शांति मेंटेन करना चाहिए, प्यार बना के रखना चाहिए। आई थिंक करतारपुर गुरुद्वारा साहिब सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है, सबसे वेल मेंटेन्ड एंड पॉलिश्ड है। तो आई थिंक कि सबको जाना चाहिए, चाहे इस उम्र में हो चाहे बूढ़े वाले उम्र में हो। बट आई वॉज प्लानिंग टू गो टू करतारपुर वेरी सुन, ठीक है, देखते हैं कब रब बुलाते हैं। तो अगर आप गए हो उधर एंड आपके पास करतारपुर के एक्सपीरियंस है, या आपके जान पहचान वालों के पास है, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इंस्पायर कीजिएगा सो दैट हमको थोड़ी सी जानकारी मिले, और जानकारी मिले, और हम जल्द से जल्द प्लान करके विज़िट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, तो सी यू गाइस टुमारो। कल से डेली व्लॉग्स आने वाले हैं, तो खुश हो जाओ, मैं भी बहुत खुश हूँ कि अभी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, एंड रोज़ आप लोगों के लिए मैं काम कर सकती हूँ। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो बहुत दिन से मैंने नहीं बोली है। टिल देन टेक केयर, बाय।